एक वक्त था जब त्योहारों के सीजन में रियल एस्टेट सेक्टर में धूम रहती थी, लेकिन जब से बिल्डर्स की धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए हैं तब से रियल एस्टेट सेक्टर में सन्नाटा पसर गया है। ये हमारी परंपरा में ही शामिल है कि हम कोई भी बड़ा काम शुभ समय देखकर ही करते हैं, और ऐसे में जब बात घर खरीदने की हो तो लोग इसके लिए नवरात्र और दिवाली का इंतजार करते थे। त्योहारों के सीजन में रियलिटी सेक्टर में भी भरपूर चहल पहल रहती थी। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रियलिटी कंपनियां इस मौके पर उन्हें डिस्काउंट्स और गिफ्ट्स ऑफर करती थी, लेकिन आज स्थिति बिल्कुल अलग है। आज रियलिटी सेक्टर में निवेश करना ही बायर के लिए महंगा सौदा बना हुआ है। फेस्टिवल सीजन होने के बावजूद ग्राहक नदारद हैं। ये देखिए, आप 4-5 साल से यही हाल है, क्योंकि 4-5 साल से पहले आप देखते थे मेला सा लगता था प्रॉपर्टी लेने वालों का। लोग आते थे, अपना उनका एक सपना होता था कि वो जाएंगे और नवरात्रों में बुकिंग कराएंगे, लेकिन आज के समय में ये लगता है कि जैसे बिल्कुल प्रॉपर्टी घर बाय लेना ही नहीं चाहता है, क्योंकि जो आज का सिनेरियो है आप देख रहे होंगे कि इतना ज़्यादा बिल्डर का आतंक हो गया है दिल्ली एनसीआर में। हर एक बिल्डर, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा बिल्डर कहीं ना कहीं करप्शन में डूबा हुआ है, कहीं ना कहीं बायर के साथ गलत करता है। तो उसका जो एक नेगेटिव न्यूज़ गई हुई है बायर के बीच में। माना जाता है कि त्योहारों का सीजन होने के कारण अक्टूबर से दिसंबर तक का वक्त कारोबार के लिहाज से काफी उम्दा होता है। ये वो वक्त है जब रियलिटी बाजार और कारोबार के तौर तरीकों में मीन मेख निकालते रहने वाले ग्राहक भी घर खरीदने की योजना बनाने लगते हैं, और जिनके पास फ्लैट पहले से ही है उसमें से भी कई लोग या तो फ्लैट बुक करवा देते हैं या फिर वो मकान ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ते हैं। लेकिन आज बिल्डर्स की धोखाधड़ी के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, रियलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना ही उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा रिस्की लग रहा है। बिल्डर्स ने जिस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी की है, उनको खरीदार नहीं मिलेंगे। अगर क्लीन बिल्डर है उसको कोई परेशानी भी नहीं है, आज भी परेशानी नहीं है, और जिन्होंने धोखा दिया है उनके लिए ऐसे ऐसे ग्राहक हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवन की पूंजी लगा के उनके प्रोजेक्ट्स में लगाए हैं, और आज वो दर दर के धोखड़े खा रहे हैं, कभी इस प्रशासन से कभी उस प्रशासन से लेके वो अपनी जिंदगी के इस पड़ाव पे बस धक्के ही खा रहे हैं। त्योहारों के दौरान फ्लैट की बुकिंग में 15 से 20 फीसदी का इजाफा होता है, क्योंकि श्राद्ध खत्म होने के बाद नवरात्र और दिवाली के मौके पर लोग रियलिटी में निवेश करते हैं, और ये ट्रेंड पिछले कुछ सालों से लगातार बढ़ा है। ज्यादा निवेश योग्य आमदनी और लोन जैसे विकल्पों के चलते भी बड़ी संख्या में परिवारों ने ये विचार अपनाया, लेकिन जब हालात ही बदल जाएं और घर बनाने वाले ही घर छीन लें तो जनता विश्वास कैसे करे। नतीजन पैसा निवेश करने के लिए टॉप प्रायोरिटी पर रहने वाला रियलिटी सेक्टर आज लीस्ट प्रायोरिटी पर आ गया है। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज, नोएडा। एक तरफ जहां बिल्डर्स की धोखाधड़ी से बायर्स परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परेशानी अथॉरिटी से भी। रिडिया प्रोजेक्ट में पैसे लगाने वाले बायर्स अपनी मांग को लेकर जिलाधिकारी हाउस पर पहुंचे और वहां धरना प्रदर्शन किया। धरने वाले बायर्स से बात की टोटल न्यूज की संवाददाता पूजा शर्मा राठौर ने। आज वक्त वो आ गया है कि यहाँ घर में के लिए निवेश करना इस वक्त सभी लोगों के लिए एक महंगा सौदा साबित हो रहा है। यहाँ जिन्होंने अपने घर के लिए, फ्लैट के लिए जहाँ निवेश किया बिल्डर्स के पास, अथॉरिटी के पास, आज हालत ये आ गई है कि यहाँ पर जो तमाम बायर्स हैं वो सड़क पर आ गए हैं, उन्हें उनका घर मिल नहीं रहा। अब आपको बता दें कि यहाँ पर मामला है इरिडिया हाउसिंग का, यहाँ पर भी मामला वही है, इन्हें इनका घर मिल नहीं रहा और ये अपनी मांग लेकर पहुंचे हैं नोएडा के डीएम हाउस के बाहर। और क्या कुछ है इसमें खास, किस वजह से ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बात करते हैं। सर, जानना चाहूंगी सर आपसे कि ये लड़ाई आज बायर्स और बिल्डर्स के बीच का तो हम देख ही रहे हैं, जो लड़ाई चल रही है, अब आज की आपकी क्या मांग है? हमें 3 साल हो गए ये घोर अन्याय होते होते हमारे साथ में। 3 सालों से हमें कोई न्याय नहीं मिला। हमने पीएमओ, सीएमओ महेश शर्मा जी, पंकज सिंह जी और डीएम साहब, मोदी जी के पास में तो बहुत बार गुहार लगाई गई है, और इसके अलावा आप जो भी नाम लीजिए, हमने हर दरवाजा खटखटाया है,
लेकिन हमें पिछले 3 साल से कोई न्याय नहीं मिल रहा। यहाँ पर हमारे साथ प्रॉपर्टी एक्सपर्ट मौजूद हैं अनु खान जी, उनसे हम जानना चाहेंगे। सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, आबादी वाले क्षेत्र पे ग्राम पंचायत की मुहर लग गई है नक्शे पर, अब क्या किस तरह नोएडा अथॉरिटी क्यों इस पर इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रही है? देखिए, यही कारण है कि नोएडा अथॉरिटी कोई काम करना नहीं चाहती और एक दूसरे पे बात टालते रहते हैं, जिसका कारण ये है कि जो जितने होम बायर हैं, लाखों फ्लैट बायर हैं, आज सड़कों पर हैं। अथॉरिटी जाते हैं तो प्राधिकरण के अधिकारी सुनते नहीं हैं, सीओ सीधा सीधा बात को टालना चाहते हैं, कोई काम करना नहीं चाहते हैं, और मंत्रीगण आते हैं, मीटिंग करते हैं। कानूनन आपसे समझना चाहूंगी सर कि एक बार ग्राम पंचायत की मुहर लग गई नक्शे पर, तो नोएडा अथॉरिटी उसे पास क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि कानूनन तो उसको मान लिया जाएगा ना। जैसा कि हमें पता चला है और हमने बिल्डर से भी बात करी है, उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए थे, तो उन्होंने कहा है कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट भी गए थे इसको लेके, वहाँ हम जीत गए हैं। और जिस पर अभी रिसेंटली अमित मोहन प्रसाद ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया था, उनका कहना है तो इसमें ये जांच होने का विषय है, सरकार जांच कराए। आरोप वही है, वही बिल्डरों से शिकायत है। एक बुजुर्ग महिला भी यहाँ पर अपने घर के लिए यहाँ लड़ने आई है, अपनी मांग रखने आई है। मैम, आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे को तो ये है कि मेरे को पैसा मिले, जिसको भी जो भी कसूरवार है उसको सजा मिले, चाहे वो कोई भी हो इनमें से, चाहे वो SBI हो या वो हो, जैसे इन्होंने बताया है। हाँ, मैम, कितना मुश्किल होता है अपनी जीवन भर की आप कमाई जो है उसे आप निवेश करते हैं अपना घर मांगने के लिए, अपना घर लेने के लिए? बहुत मुश्किल है, बच्चों की मेहनत की कमाई है, सुबह जाके रात को आते हैं, वो सारा पैसा दे चुके, दोनों बच्चे दे चुके, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल है ना उनके लिए। यहाँ पर कुछ और? हाँ जी मैडम, देखिए, दो विभाग इसमें शामिल हैं, एक विभाग ने मंजूरी दी, एक विभाग बोल रहा है मंजूरी गलत है, तो दोनों में से एक तो कोई गलत है, दोनों ही नहीं हो सकते। हम बीच में सतीश महाना जो मंत्री हैं यहाँ के औद्योगिक मंत्री, उनसे मिले 2 बार, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भी वो कानून के सम्मत कार्रवाई करेंगे, तो हमने उनसे बोला कि दोनों तो कानून के हिसाब से सही नहीं हो सकते। अब आप आगे इस लड़ाई को कैसे ले जा रहे हैं? हम इस लड़ाई को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं, विधानसभा में उठाना चाहते हैं, इसलिए हमने सुनील चौधरी जी की मदद ले रहे हैं, अपोजिशन के थ्रू इस मुद्दे को यूपी विधानसभा में उठाया जाए। कि इतना बड़ा घोटाला है, आप अभी बात कर रही थी कि बाकी और बायर्स का भी प्रॉब्लम है, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि इरिडिया वाले जो धोखाधड़ी वाले जो लोग हैं, ये धोखेबाज, ये सबसे ज़्यादा शातिर हैं, ये पर्दे के पीछे से चलाते हैं, बाकी लोगों के तो ऑफिस तो हैं कम से कम, ये लोग तो कब के भूमिगत हो चुके हैं, अंडरग्राउंड हो चुके हैं, है ही नहीं जमीन के ऊपर में। तो इसलिए इनको पकड़ने के लिए जो है सरकार को जागना पड़ेगा। यहाँ पे हम पुलिस से जाके बात करते हैं, सब कंप्लेंट्स वगैरह सब कर चुके हैं, इवन FIR तक करवा चुके हैं इकोनॉमिक ऑफिस विंग तक, तब भी कोई उनके गिरेबान तक पहुँच नहीं पा रहा है। तो यहाँ लड़ाई जो है आगे भी ले जाने की बात की जा रही है, और यहाँ फिलहाल DM हाउस के बाहर इस तरह से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इरिडिया प्रोजेक्ट में, जिन्होंने अपना पैसा लगाया है अपना घर लेने के लिए। अब देखना होगा कि इनको इंसाफ कब तक मिलता है और इन्हें इनका घर कब तक। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ पूजा राठौर, शर्मा, टोटल न्यूज़ नोएडा।